मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अमित द्विवेदी द्वारा खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी को पत्र क्रमांक CNG 207 दिनांक 13 नवंबर 2019 को सिंगरौली में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अमित द्विवेदी द्वारा खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी को पत्र क्रमांक CNG 207 दिनांक 13 नवंबर 2019 को सिंगरौली में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की मांग की गई थी। खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी को भोपाल में मुलाकात कर अवगत कराते हुए श्री द्विवेदी ने बताया कि जिले में युवा खिलाड़ी की प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है। श्री द्विवेदी ने बताया कि यहाँ युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए इंडोर स्टेडियम का अभाव है। यहाँ के युवाओं में खेल भावना होने के बावजूद भी निखार नहीं हो पा रहा है। यदि यहाँ इंडोर स्टेडियम की समुचित व्यवस्था स्थापित हो जाए तो निश्चित तौर पर ही हमारे सिंगरौली के साथ साथ अगल बगल के जिलों की युवा प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में नाम रोशन कर सकेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने प्रदेश सचिव और अमित द्विवेदी के मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करते हुए रीवा संभाग में एकमात्र इंडोर स्टेडियम सिंगरौली जिले के खेल मंत्रालय द्वारा हरी झंडी दे दी है। सिंगरौली जिले के कलेक्टर KVS चौधरी को पत्र लिखकर इंदौर स्टेडियम बनाए हेतु कम से कम 2 एकड़ भूमि आरक्षित कर राजस्व अभिलेख में खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज करवाने का निर्देश दिया है। अमित द्विवेदी ने मंत्री जीतू पटवारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इंडोर स्टेडियम बनने से कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस जैसे कई खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा।